56,435 परीक्षार्थियों ने आवेदन भरा था, फॉर्म भरा था, और इसमें से जो भी अनुत्तीर्ण थे उन्होंने स्क्रूटनी के लिए भी आवेदन किया था। तो स्क्रूटनी में 374 विद्यार्थी स्क्रूटनी में पास हो गए। अतः वैसे विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फल इस कंपार्टमेंटल परीक्षा की आवश्यकता नहीं हुई, तो कुल 56,061 विद्यार्थियों का ही परीक्षा फल घोषित किया गया है, जिसमें कि 31,368 विद्यार्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की है। इसके साथ ही मैट्रिक परीक्षा के भी कंपार्टमेंटल कम स्पेशल एग्जामिनेशन का आयोजन वर्ष 2023 में जो समिति द्वारा किया गया था, उसके भी परीक्षा फल प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है, और आगामी 5 से 6 दिनों के अंदर उस मैट्रिक के भी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा के परीक्षा फल की घोषणा समिति द्वारा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस विशेष परीक्षा में कुल 62.06% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, और इस परीक्षाफल को यदि मुख्य परीक्षा के साथ ऐड किया जाए तो निश्चित रूप से जो मुख्य परीक्षा का उत्तीर्णता का प्रतिशत है मेन एग्जामिनेशन और कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का, वह कुछ बढ़ जाएगा। उसकी भी सूचना कुछ समय के बाद आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें कि मुख्य परीक्षा और इस परीक्षा दोनों के कंबाइंड रिजल्ट को जोड़कर उत्तीर्णता का प्रतिशत की सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। निर्णय शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा लिया जाता है, और समिति द्वारा एसटीईटी का आयोजन शिक्षा विभाग बिहार सरकार के निर्देशानुसार ही किया जाता है। अतः अभी वर्तमान में हाल में जो हम लोगों ने एसटीईटी की परीक्षा के लिए कॉमर्स विषय का के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसके भी परीक्षा फल की घोषणा आगामी 1 सप्ताह के अंदर किए जाने का लक्ष्य समिति द्वारा रखा गया है। और इसके साथ ही डीएलएड की परीक्षा के संबंध में भी समिति द्वारा यह विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है कि आगामी 5 जून से 15 जून के बीच डीएलएड की परीक्षा का भी आयोजन किया जाना संभावित है, और इसके लिए जिस प्रकार गत वर्ष भी डीएलएड की परीक्षा का आयोजन समिति द्वारा किया गया था, राज्य के सभी डीएलएड कॉलेजेस, चाहे वह सरकारी हों या प्राइवेट हों, उनमें नामांकन के लिए बिहार राज्य में पहली बार सभी डीएलएड संस्थानों में एडमिशन हेतु मेरिट कम रिजर्वेशन के आधार पर नामांकन हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। उसी प्रकार इस वर्ष भी आगामी 5 से 15 जून के बीच डीएलएड संस्थानों में नामांकन हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाना संभावित है। यह परीक्षा ऑनलाइन रूप में ली जाएगी, और इसके रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग हेतु सभी अभ्यर्थियों से उनके चॉइसेस की मांग की जाएगी, और उनके ऑप्शंस सह मेधा सह आरक्षण के आधार पर उनको संस्थानों का आवंटन किया जाएगा। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची।